हेलो, मैं निशा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर निशा लाइफ फैमिली में। तो ये देखिए, ये वाली वीडियो जो है ना शिवरात्रि की ही है, क्योंकि अगर मैं उसी में ऐड करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इतनी बड़ी वीडियो आप देखते नहीं हो। तो ये देखिए, मैं पूजा के लिए फूल तोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे मंदिर जाना है, और ये फ्रूट मैंने रख लिए, इसमें फूल भी रख लिए, इसमें जोत भी रखूँगी मैं। नीचे मंदिर है तो उसी मंदिर से मैं रखूँगी। तो चलिए पूजा करने के लिए, और पूजा मैंने कर ली है, उसके बाद मैंने आपको यहाँ का व्यू दिखाना था तो वही दिखाया है। और अगर आपने मंदिर वाला ब्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लेना चैनल पर जाकर, बहुत ही अच्छा ब्लॉग जो है वो बनाया है। तो ये देखिए, यहाँ पर इतना खुला है, जो भी पूजा होती है जन्माष्टमी की या शिवरात्रि की, यहीं पर हम लोग करते हैं। और ये देखिए, चारों तरफ से मैं दिखा रही हूँ, इसको हमारे यहाँ पर ना चौपाल बोला जाता है। तो यहाँ पर शादी होती है ना, तो उसी के लिए जैसे भोजन का आयोजन किया जाता है तो वही यहाँ पर होता है। तो ये आप देखिए, और ये ड्राइंग देखिए, ये डॉल कितनी है, अच्छी लगी है, परी जैसी लग रही है ना। तो यहाँ पर भी मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ पर ना जो भी बाइक वाला गली से जाता है तो हमारे गली के जो डॉगी होते हैं उनके पीछे लग जाते हैं, इतना तेज़ तेज़ भौंकने लग जाते हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा है। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो लोग वीडियो को नहीं देखते हैं वो देख लेना। और कई लोग बोलते हैं ना, टाइटल और थंबनेल को देखकर ही मतलब बोलने लग जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। और होने जाने वाला तो है नहीं, तो बस ये कहना चाहती थी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मंदिर से हम लोग आ चुके हैं और अब देखते हैं खाना पीना कुछ खाते हैं, फल लेकर आए थे ये तो वही खाएंगे। और वंशिका ने आज ना स्कूल से छुट्टी कर लिया क्योंकि इसके पेट में ना दर्द था। और अभी देखिए, दिखाती हूँ मैं, ये देखिए बैठ के ना कुछ कुछ लिख रही है कॉपी में, ये देखिए दिख रहा होगा आपको। और देखिए, मुझे ना कुछ सूटों की सिलाई करनी है, मतलब बाहर से नहीं आई। उसके बाद इसको जॉइंट किया है, ये नीचे का पार्ट है तो ऊपर से थोड़ा सा मैंने पैक बनाने के लिए। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, मैं आज आपको दाल बताऊंगी क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है अगर आप इसको सही तरीके से नहीं बनाओगे। तो ये देखिए, मैंने दाल को भिगो दिया था, और ये देखिए ये खतरे से खाली नहीं है। गैस की जो मेरी पाइप है वो कट चुकी है, और मतलब ज़्यादा तो नहीं कटी है, थोड़ा सा ही क्रैक आया था, लेकिन इस पर मैंने टेप लगा के अच्छे से इसको कवर कर दिया था कुछ देर के लिए। उसके बाद मैंने इसका पाइप जो है वो चेंज करवा लिया था। तो कई बार ऐसा ख़तरनाक खेल करना पड़ा, मतलब नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी में मुझे करना पड़ा। तो ये देखिए, यहाँ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है तो बताना मुझे, और क्या मैंने दाल के बारे में सही बोला है या गलत बोला है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इसको मैंने भिगो के रख दिया था, अब मैं इसको एक दो पानी से धुल दूँगी, उसके बाद उसमें डाल दूँगी। तो इसीलिए बस सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। कुछ लोगों को पता भी है, कुछ लोग इसके झाग जो है ऊपर से निकालते भी है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए है। तो देखिए, जो दाल थी ना उसको हमने अच्छे से धुल दिया है, और इसको 2-3 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। तो देखिए, जो हमारी दादी नानी थी
वो पहले चूल्हे पर बनाती थी दाल को, तो ये जो ऊपर के झाग आप देख रहे हैं इनको उतार देती थी, लेकिन अब क्या होता है कुकर में डालते हैं और ऐसे ही सीटी लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये खतरे से खाली नहीं होता है, जो झाग ऊपर में आते हैं इससे फॉलिक एसिड जो बीमारी होती है वो हो जाती है, उससे घुटनों की जो प्रॉब्लम है आजकल आपको यंग बच्चों में देखने के लिए मिल रही है वो इसी के कारण होती है। तो ये ऊपर से जो झाग होते हैं ना इनको हमें निकाल देना चाहिए, तो ये देखिए इस तरह से निकाल देना है, और इनको निकालना ज़रूरी होता है वरना बहुत ही जो बीमारी है वो आजकल फैल रही है घुटनों के दर्द की, तो वो इसी के कारण हो रहा है। जहाँ तक बचा जा सकता है वहाँ तक हमें बचना चाहिए, तो ये देखिए इस तरह से सारे जो झाग है वो निकाल देने चाहिए। उसके बाद आप कुकर की जो सीटी है वो लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर से जो झाग निकालने चाहिए, और जो हमारी दादी नानी थी वो चूल्हे पर बनाती थी तो वो इनके झाग जो है वो पहले ही निकाल देती थी, उसके बाद छोंक लगाती थी। तो हम लोग आजकल ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप कोई भी दाल बनाएं तो इसको निकालने चाहिए। तो ये देख ही सकते हैं मैंने सभी झाग को निकाल दिया है, और ये देखिए मैंने रेसिपी नहीं बता दिखाई थी क्योंकि दाल जो है वो नॉर्मल सभी बनाते हैं। तो देखिए मेरी जो दाल है वो बनकर तैयार हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।